प्रॉब्लम इससे कुछ नहीं है, सब खुश हवा है, सिवाय गली गली में जो दारू पीकत है वो बंद होना चाहिए बस। दारू की वजह से क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है? दारू की वजह से ना पूरा झगड़े करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज बहुत करते हैं। और उस जो गोबर जो खाद शासन के द्वारा दिया जा रहा है उसमें इतने खरपतवार, जो फसल के अलावा और अन्य खरपतवार उगता है उसकी अधिकता है, एक भी किसान उसको खेत में नहीं डालना चाहते, वो जबरदस्ती गोबर खाद को पकड़ाया जा रहा है और इससे किसान लोग नाराज हैं। और वास्तव में अब भूपेश की सरकार को अब पसंद नहीं करते, उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। किसी का भी सरकार बने नहीं, काम तो किसी का नहीं होता क्या? बीजेपी के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता है क्या? सबके राज्य में भ्रष्टाचार होता है। मोदी ने देश का विकास किया है लेकिन कितने 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है विश्व बैंक से, ऐसे थोड़ी विकास किया है, कर्जा लेके विकास किया है। गुजरात में कितना है, 5 लाख करोड़ का कर्जा है, और उसके मध्य प्रदेश में कितना है, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कांग्रेस सरकार भी कर्जा लेके कर रहे हैं, मोदी भी कर्जा लेके कर रहे हैं, कोई अपने घर से थोड़ी कर रहे हैं वो। छत्तीसगढ़ का तुलसी गांव, इस गांव को भला कौन नहीं जानता। यूट्यूब की वजह से और अपने आर्टिस्ट की वजह से इस गांव ने पूरे देश में अपनी एक पहचान बना ली है। चुनावी यात्रा एनबीटी के लिए करते करते हम पहुंच गए रायपुर से 50 किलोमीटर दूर है वो छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के तुलसी गाँव में एक राशन की दुकान पर हम पहुँच गए। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, राशन की भीड़ में, कतार में खड़े हैं। हम उनसे पूछेंगे इधर ये यूट्यूब का गांव जो कहलाता है वो किसको सपोर्ट करता है, यहाँ का माहौल क्या है, किसको वोट जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, इनकी समस्याएं क्या है, ये माता बहनें हैं, इनकी समस्याएं क्या है, इनसे भी बात करेंगे। मेरे पास, मेरे साथ है, आप बताइए क्या इधर समस्या है, क्या यहाँ की महिलाएँ खुश है, क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम इससे कुछ नहीं है, सब खुश हवा, सिवाय गली गली में जो दारू पीकत है वो बंद होना चाहिए बस। दारू की वजह से क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है? दारू की वजह से ना पूरा झगड़े करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज बहुत करते हैं रास्ते में, गली में, मोहल्ले में, और जिसके जिसके भाई बहन जो है ना वो भी रास्ते में बैठे रहते हैं, वो तो भी गंदे गंदे गालियाँ देते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। 2 बार 3 बार बोल चुके हैं हम लोग, फिर भी से नहीं मानते हैं लोग कि बंद कर देते हैं, ऐसे भी नहीं बोलते हैं। तो पूरा शराबबंदी चाहिए राज्य में? हाँ, बंद राज्य में नहीं करना चाहिए, हमारे गाँव बस होना चाहिए बंद, जो गली के में बिक रहा है ना वो वाला बंद होना चाहिए। तो कभी महिलाएं ने कभी ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किए सभी महिलाओं ने ये गांव में शराब बंद करने के लिए? मैं बोलती हूँ ना, वैसे एक दूसरे एक दो बोलते हैं, बाकी लोग ना अपने अपने घर में घुस जाते हैं, हम लोगों के क्या है ऐसे करके बोलते हैं। तो जिसके घर पर जाकर जाओ ना समझाने के लिए, वो भी नहीं बोलते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा एक दो जाते हैं तो उसको गाली गलौज करते हैं, जो बेचते हैं दारू वो सामने वाले गाली गलौज करते हैं, तो लेडीज लोग भी बोलते हैं, तो हम लोग छोड़ो हटो ऐसे करके भी छोड़ देते हैं, नहीं बोलते हैं। बाकी लोग बोलते हैं तो बहुत लोग यही बोलते हैं क्या कर रहे हैं हम लोगों को ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन सबको मैं ये बोलती हूँ कि सबको अपने अपने घर में समझाना चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि दारू यहाँ जो गांव में बिक रहा है, गली में बिक रहा है, वो सब बंद होना चाहिए ऐसे करके। सभी महिलाएं साथ में आएगी तभी बंद होगा ये? हाँ, सभी महिला साथ में आएंगे ना तभी बंद होगा, ऐसा बिल्कुल बंद नहीं होगा। मैं बोलती हूँ तो मेरे को गलत समझते हैं, तो सब महिला ना एकजुट होकर ना सबको बोलना चाहिए कि दारू बंद कराओ ऐसे करके, मेरे ना दरख्वास्त यही है। आपका गांव जो तुलसी गांव है यूट्यूब की वजह से बहुत फेमस है पूरे देश में, तुलसी गांव का नाम न्यूज़ में आता है, अखबार में आता है, पढ़ते हैं बड़े, ऐसा आपको बुरा नहीं लगता है कि शराब की वजह से यहां पे महिलाएं त्रस्त है? इतना बड़ा गांव है, इतना अच्छा इसका इमेज हुआ है, छवि अच्छा हुआ है, पर शराब की वजह से नाम खराब हो रहा है? शराब की वजह से तो हो रहा है भैया, लेकिन जो सरकार की योजना है धरातल पर बिल्कुल नहीं है। जो गरवा घुरवा बारी जो बोलते हैं ना, जितना भी गाय है सब रोड के ऊपर रहते हैं, गौठान में एक गाय नहीं है ना, वहाँ गोबर नहीं पाओगे आप। किसानों को जो खाद मिल रहा है बिल्कुल वो मिट्टी मिक्स है, पूरा वजन करने के लिए मिट्टी मिला रहा है, कंपोस्ट है नहीं, जबरदस्ती बेच रहा है उसको। इसकी कंप्लेंट की है आपने? कंप्लेंट किए हैं, 100 बार किए हैं, जबरदस्ती दिया जाता है, आपको ऋण नहीं मिलेगा बोलते हैं उन लोग। हाँ, कंप्लेंट करेंगे तो ऋण देंगे नहीं बोलते ये। हाँ, सरकार को आपके एमएलए को बताया आपने? ऋण बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप इसको नहीं लोगे तो आपको मिलेगा नहीं, आप भाग जाओ यहाँ से, ऐसा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने यहाँ के विधायक को बता दिया? विधायक को बात नहीं सुनते, सबसे पहले दूसरी विधायक है। जितने भी नशाबंदी के बारे में जैसे बात करूँ आपसे कि यहाँ भूपेश जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसने गंगा जल लेकर के एक सौगंध खाया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी के नाम से जितने भी महिला हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश कांग्रेस की सरकार को वोट किया, इसीलिए वोट किया कि
पूरा दारू के नाम से सबका परिवार खराब हो रहा है, बीवी बच्चे में विवाद हो रहा है, सुख शांति नहीं है। इस वजह से उनको वोट किए थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हो, इसलिए एक तरफा जितने भी महिलाएं हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने गांव की सुख शांति के लिए वोट किए थे, लेकिन वो झूठा और फरेब निकला। जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि गोबर खाद जो है, गोबर खाद इतना है उसकी क्वालिटी एक भी नहीं है, मिट्टी जो है वो भी है, और कंपलसरी कर दिया है कि आप यदि गोबर खाद लोगे तभी जो उर्वरक खाद मिलेगा, उर्वरक खाद जैसे यूरिया है, DAP है, तो और ऋण भी आपको नहीं मिलेगा। ये पूर्ण दबाव है कि आपको ये सब खरीदना पड़ेगा, गुणवत्ता नहीं है। किसान लोग 10 किलो को 30 रुपए, 30 किलो जो बोरी आता है गोबर खाद का, उसको 300 रुपए में ले रहे हैं और खलिहान कहीं पर उसको फेंक रहे हैं, खेत में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आज कृषि करना इतना आसान नहीं है, मजदूरों का अभाव है, और उस जो गोबर जो खाद शासन के द्वारा दिया जा रहा है उसमें इतने खरपतवार, जो फसल के अलावा और अन्य खरपतवार उगता है उसकी अधिकता है, एक भी किसान उसको खेत में नहीं डालना चाहते, वो ज़बरदस्ती गोबर खाद को पकड़ाया जा रहा है, और इसे किसान लोग नाराज हैं, और वास्तव में अब भूपेश की सरकार को अब पसंद नहीं करते, उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यूट्यूब के गांव के नागरिक बोल रहे हैं भूपेश की सरकार को हम पसंद नहीं करते क्योंकि खेती के किसान के जो प्रॉब्लम थे, क्या है, सही है? हाँ, एक तरफ तो यही भी है, क्या है, कांग्रेस सरकार से लोग अभी त्रस्त हो गए हैं, अभी इसको बदलने का उम्मीद कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है 50-50 चांस चल रही है, कह नहीं सकते कि कौन पार्टी आ जाएगी, तो कांग्रेस और BJP दो ही पार्टी यहाँ विशेष है, तो अभी 50-50 चांस दोनों का चल रहा है। आप बोल रहे त्रस्त है, बहुत लोग ये बोल रहे 50-50% चांस है, एक तरफ हमें हो रहा है इधर नहीं। अब ऐसा है, जैसे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के प्रति जो आस्था रहता है, काम जो भी हो जनहित में हो या ना हो, लेकिन पार्टी लेवल से जो लोग अपना काम करते हैं वही बेसिक बना के चलते हैं कि नहीं हमारा पार्टी आए, हमारा पार्टी आए, कार्य जो भी हो, लेकिन सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जनहित के दृष्टिकोण से, तो भूपेश की सरकार सिर्फ नरवा घुरवा और गरवा बारी में रह गया सिमट करके, कहीं पर भी रोड सड़क नाली बिजली ये सब का विकास नहीं हो पाया। यहाँ तक कि हमारे नरेंद्र मोदी के एक सोच था, पैसे वाले तो अपना मकान बना लेते हैं, पक्का मकान बना लेते हैं, लेकिन एक गरीब केवल जीवन यापन ही कर सकता है, मकान नहीं बना सकता। मोदी जी ने सोचा था हर का मकान पक्का हो, उस गरीब को भी रहने का अधिकार मिले पक्के मकान में। इस दृष्टिकोण से 72,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में भेजा। ठीक है, ये आप घर का एक मुद्दा बोल रहे हैं, और भी आपके गांव के, आप इसी गांव के हैं, तो क्या माहौल है, क्या हवा का रुख किस तरफ चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, दोनों को सरकार आ सकती है। कैसे कैसे किसकी सरकार बने, क्या मुद्दे है, कौन सी सरकार बनेगी, अभी इन्होंने कुछ बोला? घोषणा पत्र है, जो लोक भवन घोषणा पत्र है, जिसका ज्यादा रहेगा उसी के सरकार बनेगा, किसान का, किसान के मुद्दे पे सरकार बनेगी। किसान खुश है आपके एरिया के? लगभग खुशी है, और क्या। आपका गांव यूट्यूब की वजह से बहुत फेमस है देश में, दुनिया में, आपके देश का मत मायने रखता है, आप कहिए जवाबदारी से किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल है यहाँ पे, बताइए। किसी का भी सरकार बने, काम तो किसी का नहीं होता, क्या BJP के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता है क्या? सबके राज्य में भ्रष्टाचार होता है। मोदी ने देश का विकास किया है, लेकिन कितने 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है विश्व बैंक से, ऐसे थोड़ी विकास किया है, कर्जा लेके विकास किया है। गुजरात में कितना है, 5 लाख करोड़ का कर्जा है, और उसके मध्य प्रदेश में कितना है, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कांग्रेस सरकार भी कर्जा लेके कर रहे हैं, मोदी भी कर्जा लेके कर रहे हैं, कोई अपने घर से थोड़ी कर रहे हैं वो। विकास विकास करना है तो कर्जा तो लेना पड़ेगा, पैसा चुकाते हैं, विकास करते हैं, कर्जा लेके तो मैं भी कर दूंगा देश का विकास, आप भी कर दोगे? कैसे करेंगे, पैसा नहीं लेंगे तो विकास कैसे करेंगे, आपको सुविधाएं कैसे देंगे? कहाँ है, 10 रुपए का काम हो रहा है उसमें 100 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहाँ से विकास होगा? छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है, कुछ काम नहीं हुए 5 साल में, पूरे देश में भ्रष्टाचार है, छत्तीसगढ़ में क्या है? अभी छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, आपने जो बोला कर्जा है, भ्रष्टाचार है, तो अभी छत्तीसगढ़ की क्या हालत है फिलहाल? छत्तीसगढ़ में तो भ्रष्टाचार चरम में है, पिछले 5 साल में क्या हालत है? 5 साल भाजपा सरकार में भी भ्रष्टाचार था, सबके राज्य में भ्रष्टाचार है, दोनों भ्रष्टाचारी है, कोई ठीक नहीं है। तो इनका कहना है कि सब भ्रष्टाचारी है। ये तुलसी गांव के लोग थे, जो गांव यूट्यूब के नाम से जाना जाता है, सम्मिश्र प्रतिक्रिया दिया है इन लोगों ने, किसकी सरकार बनेगी ये सीधा नहीं कह रहे, बट कह रहे कि
किसानों की समस्या जो हल करेगा उन्हीं को हम वोट देंगे। 50-50 चांस चल रहा है, दोनों भी घोषणा पत्र आने के बाद से बीजेपी का थोड़ी हवा सी बदल गई, ऐसा भी ये लोग कह रहे हैं। अभी देखते हैं, 3 दिसंबर को पता चलेगा, 7 दिसंबर को पहले चरण का वोटिंग होगा, 17 नवंबर को दूसरे चरण का वोटिंग होगा, और उसके बाद 3 दिसंबर को पता चलेगा कि ये तुलसी गांव के लोगों ने जो कहा है, यूट्यूब विलेज ने जो कहा है, वो क्या सच है, क्या है, क्या होता है। तब तक देखते रहिएगा NBT की चुनाव यात्रा के साथ। मेरे सहयोगी NBT के लिए पाचेंद्र कुमार टिमरे के साथ में विशाल बड़े, रायपुर, छत्तीसगढ़।